ये फरजाना डाकू वाला मामला जो है ना, वो कि भी एक डाकू वो अमीरों से लूट के गरीबों की मदद करता था, ये फिल्मों में अच्छा है, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अल्लाह तो एक किसी भी क्रिटिकल रीजन की वजह से जीरो से मल्टीप्लाई कर देता है सब कुछ, बेपरवाह है ना। सर आप अपनी दाढ़ी पगड़ी नमाजों से और बड़े बड़े दस्तरखानों से अवाम को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारे शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। शक्ल भी नहीं देखनी और माल भी नहीं देखना। आप लोग क्या देख रहे होते हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, अल्लाह का कितना करम है इस पर, कितनी दौलत है, और अल्लाह का फरमा रहा है दिल और अमाल। हत्ता के सही बुखारी में आता है और इसका जिक्र इशारतन सूरह तौबा में भी आया है, जब नबी इस्लाम ने अपील की ना ग़ज़वे तबूक के मौका पर, रोमन अंपायर से लड़ना था सबसे बड़ी सुपर पावर, तो चंदे की अपील की, तो एक सहाबी ने पूरी रात एक यहूदी की यानी मजदूरी करने के बाद उसको एक मुट्ठी जो है ना वो खजूरें मिली मुआवजे के तौर पे। बार्टर सिस्टम था ना, जरूरी नहीं करेंसी मिलती थी, खजूरें मिल जाती थी, जौ के दाने मिल जाते थे, गंदम मिल जाती थी, और वो एक मुट्ठी खजूर लाकर नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश करता है कि मेरी तरफ से ये जिहाद के लिए कबूल करें। वहां पे मुनाफिकीन होते हैं जो ऊपर से मुसलमान है, वो आपस में एक दूसरे से ठट्टा मजाक करते हैं कि ये देखो एक मुट्ठी खजूर से क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश होते हैं कि आप अलैहिस्सलाम उन खजूरों को वो जो जितना माल है उसके ऊपर यूं बिखेरते हैं और फरमाते हैं ये सब पे भारी है, पीछे इखलास है ना। इसीलिए देखें नेकियां क्यामत वाले दिन गिनी नहीं जानी, तौली जानी है। मक्के के अंदर रहने वाला शख्स जो रोजाना 5 वक्त नमाज हरम में पढ़ता है, हजारों लाखों नमाजों का सवाब कमाता है, ऐन मुमकिन है कि उसकी लाखों नमाजें, एक वो शख्स जो सड़क के किनारे मजदूरी करता है वो मस्जिद तक भी जाने में उसको तरद्दुद है और वहीं पर वो अपना कपड़ा डाल के जून जुलाई की तपती दोपहर के अंदर सड़क के किनारे किसी दरख्त की छाँव में सिर्फ फर्ज ही अदा कर लेता है, उसकी एक नमाज जोर हो सकता है उसकी हजारों नमाज जोर जो हरम में है उससे बढ़कर हो, क्योंकि अल्लाह ने नेकियां तौलनी है, गिननी नहीं है। अगर किसी के पास 5 नोट 10-10 रुपए के हो और एक नोट 5,000 रुपए का हो तो वर्थ किसकी ज्यादा है, 5,000 की, अगरचे नोट वो एक है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसी तरीके से अगरचे हरम में नेकियां ज्यादा हैं लेकिन उनकी वैल्यू वर्थ, इसी को वो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी उसकी ज्यादा है, उसको जो अल्लाह ने हालात वाकयात दिए थे उसमें बेस्ट वही परफॉर्म कर सकता था। तो क्यामत वाले दिन नेकियां तौली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी।